तो आज एक नए कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। कंसेप्ट पहले भी आपने पढ़ा है, लेकिन लीनियर ऑपरेटर के साथ एक बार चीजें रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो कंसेप्ट का नाम है एनिहिलेटर ऑफ अ सबस्पेस। एनिहिलेटर ऑफ अ सबस्पेस। तो मेरे पास कोई सब स्पेस है, सबसेट के लिए भी बनाया जा सकता है वैसे तो, डब्लू भी है सब स्पेस। वेक्टर स्पेस भी है, पढ़ा था आप लोगों ने ये टॉपिक। यस कहा मैट्रिक्स बिल्कुल। तो देन एनिहिलेट करने का मतलब ही समझिए, ए डबल एन सॉरी एनिहिलेटर ऑफ डब्लू इज डिफाइंड एज। नॉर्मली एनिहिलेटर ऑफ डब्लू कई लोग वैसे लिखते हैं, कई लोग वैसे लिखते हैं। और फाइनाइट डायमेंशन में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्म फंक्शनल्स वी कैप में है सच दैट जो एफ डब्ल्यू इक्वल टू जीरो फॉर एवरी डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। एक वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस जो भी लें, उनके सारे एलिमेंट्स को फील्ड के जीरो पे ले जाए, तो वो लीनियर फंक्शनल स्टार्ट जो कलेक्शन होगा वो एनिहिलेटर होगा। मतलब वो इसको एनिहिलेट कर दे रहा है, जीरो पे पहुंचा दे रहा है। ध्यान से समझिए, वेक्टर वी ट्रैप क्या है, जितने पॉसिबल लीनियर फंक्शनल हो सकते हैं वी से एफ में। अब आप उसमें से कौन से ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जो इस पर्टिकुलर सब स्पेस के हर एलिमेंट को जीरो पे पहुंचा दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये अपने आप में एक सब स्पेस होता है, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। कुछ चीजें कुछ हम यहाँ माइनर यूज करेंगे, ज्यादा बाकी तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो मैं थ्योरम पे आ रहा हूं सीधे। If U and W, capital U कर देते हैं, and W are subspaces of PF, then पहला अगर ऐसा है कि U is a subset of W है, तो A of U या U not जैसा लिख सकते हैं, एनिहिलेटर जो होगा कलेक्शन दैट विल बी अ सबसेट ऑफ AW। दैट इज आप ऐसे भी कह सकते हो कि W not द सबसेट ऑफ U not, एक ही बात है। जो आप वैसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस पे लगाएंगे तो याद रखने में आसानी होगी। देखिए प्लीज, ये फील्ड है एज अ वेक्टर स्पेस, आप इसको कह सकते हैं एफ ओवर एफ, ये आपके पास पी ओवर एफ है, वो ठीक है। ये ट्रॉफी बड़ा डब्लू है, और ये इसको बोल लेते हैं, इससे बड़ा यहाँ ले लेते हैं ऐसे। सपोज ये यू है और ये डब्लू है पूरा। आप ही बताइए, ज्यादा आसान क्या पड़ेगा, जीरो बनाना, छोटे सेट हो या बड़े सेट हो। मतलब यू में मान लो दो एलिमेंट्स, तो कुछ लीनियर फंक्शनल है उन दोनों को जीरो पे पहुंचा दे रहे हैं, और डब्ल्यू में दस है तो कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, लीनियर फंक्शनल होंगे जो इन दस को भी जीरो पे पहुंचा रहे होंगे।
ज्यादा संख्या होने के चांसेस चिन के लगते हैं आपको? यूके। बस खुद ही समझ जाओ, एयू का मतलब क्या है, एनिहिलेटर ऑफ यू, मतलब वो सारे लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन जो यू को जीरो पे पहुंचा रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता वो। अगर यू डब्लू को का सबसेट है तो यू को जीरो पे पहुंचाने वाले ज्यादा होने के चांसेस हैं लीनियर फंक्शन डब्लू के मुकाबले। क्या बाकी लोगों को भी रियलाइज हो पा रहा है क्या कह रहा हूं? यस सर। तो उसे रटना नहीं है, मतलब हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली, लेकिन थोड़ा रियलाइज करना जरूरी है कि अगर आपके पास छोटा सेट होगा तो उसको जीरो पे पहुंचाने वाले ज्यादा होंगे, जितना बड़ा कलेक्शन होगा उसके हर एलिमेंट को जीरो पे पहुंचाने वाले उतना मिलना मुश्किल होता जाएगा। और दूसरा ये है कि ए डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वीके, ये सब स्पेस चीज अगर आप सबसेट भी ले तब भी ये बात सही होती है। हाँ अगर मैं सबसेट्स भी लेता तब भी है कि W सबसेट भले ही हो लेकिन ए डब्ल्यू हमेशा सबस्पेस ही होगा, और W सबस्पेस है तब भी ए डब्ल्यू सबस्पेस है, तो एनिहिलेटर हमेशा सबस्पेस होता है। मैंने आपको ये प्रूफ करके पहले भी दे रखा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार उसे रिवाइज जरूर कर लें। चलिए ठीक है, हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं। पहले वाले को आपने जो अभी देखा वो विजुअलाइजेशन है बस, तो मैं मान लेता हूं लेट F belongs to AW, तो भाई इसका मतलब है कि F annihilator of W है, तो मतलब F जो है हर एक को W के हर एलिमेंट को जीरो पे पहुंचा देगा, और एवरी W belongs to W। W के अंदर U है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इन पर्टिकुलर एफ एट्स इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एट्स बिलोंग्स टू U, क्योंकि जो U है वो W का सबसेट है। अगर W के हर एलिमेंट को ऊपर वाली लाइन कह रही है कि आप जीरो पे ले जा रहे हैं, तो W के अंदर ही तो U भी है। अगर W के हर एलिमेंट को जीरो पे ले जा रहा है तो U के भी हर एलिमेंट को जीरो पे ही ले जाएगा, क्योंकि U W का सबसेट है। क्या मैं ये क्लियर करा पाया? यस सर। यस सर। अरे भाई ये W है ये U है, W के हर एलिमेंट को F जीरो पे पहुंचा दे रहे हैं, तो W के हर एलिमेंट को पहुंचा रहा है, मतलब U का भी एलिमेंट जीरो पे पहुंच जाएंगे क्योंकि U W के अंदर ही है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि जो F है वो U के एनिहिलेटर जो है उनमें से उनमें ये भी शामिल है। तो फिर आपने AW में लिया था कोई और आपने दिखा दिया वो U में भी, ये प्रूफ करना था? यस सर। हो गया यार, कुछ सही नहीं करने हो। दूसरा सबस्पेस प्रूफ करना है, तो ए डब्ल्यू में दो फंक्शनल मान लीजिए एफ और जी मान लेते हैं ए डब्ल्यू में, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू जीरो और जी ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, and this is true for every element W belongs to W। subspace लेना है, let alpha beta ले लेते हैं field के element, alpha f plus beta g of W कर लेते हैं, तो alpha f W प्लस बीटा जी डब्ल्यू, ऊपर वाली लाइन से दोनों अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो मतलब जीरो,
एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू. तो फिर अल्फा एफ प्लस बीटा जी बिलोंग्स टू एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एफ जी बिलोंग्स टू ए डब्ल्यू एंड फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड. तो कोई भी अगर अल्फा बीटा यहाँ लेते हैं और एफ और जी ए डब्ल्यू में लेते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इसी में आ रहा है. इससे क्या समझ में आया? ए डब्ल्यू समस्पेस. अब तीसरा समस्पेस है तो एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें क्लियर हो जाएं तो एक बार मैट्रिक्स वाला पोर्शन दोबारा जरूर पढ़िएगा. अब आपकी समझ ज्यादा बेहतर हो जाएगी. नेक्स्ट थ्योरम है हमारी एनिहिलेटर पर ही. लेट वी एफ बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ देन डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू डायमेंशन ऑफ W दोनों मिला के डायमेंशन ऑफ V बना देते हैं. अच्छी थ्योरम है भाई. कोई भी सब स्पेस उठाइए वेक्टर स्पेस का. सब स्पेस है तो उसका एनिहिलेटर का कलेक्शन आप ले लेंगे वो भी सब स्पेस होता है और दोनों के डायमेंशन का सम पूरा वेक्टर स्पेस का सम. जबकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं. W जो है वो V का सब स्पेस है और AW जो है वो होमोमॉर्फिज में जितने भी हैं V से F उस कलेक्शन का सबसेट है वहां का सब स्पेस है. डायमेंशन में ये फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट है बच्चों. रिजल्ट क्या है ये समझ में आया नहीं आया? रिजल्ट को महसूस करना बड़ी बात है. प्रूफ तो हम जैसे तैसे निकाल ही लेंगे. तो सब किताबों में लिखा हुआ ही है कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. हेलो. यस सर. यस सर. तो काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट है अगर आप सोच पा रहे हैं तो. कोई भी फाइनाइट डायमेंशन के लिए है तो मान लेते हैं वी का डायमेंशन कुछ लेट डायमेंशन बी इक्वल टू एन. सिंस डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ बी तो फिर जाहिर सी बात है सबस्पेस का जो डायमेंशन होगा वो हमेशा वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के बराबर या उससे कम ही होगा. ठीक है तो हम ऐसा करते हैं लेट डायमेंशन डब्ल्यू को मान लेते हैं हम. तो फिर जो एम है वो लेस देन इक्वल टू एन हो गया. ठीक है उसे भी छोड़िए. डायमेंशन डब्ल्यू अगर आप एम मान रहे हैं तो एम एलिमेंट्स का एक बेसिस लेना पड़ेगा. लेट अब वी में लेता हूं वी वन वो वी में भी काम आएंगे. वी एम be a basis of W. इसका basis मान लिया मैंने. तो ये जो vector है also V1 से लेकर Vn तक तो ये vectors का collection है. ये subset होगा ना V का and these are linearly independent vectors. तो कुछ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और वीजा सबसेट हैं तो उनका एक्सटेंशन करके बेसिस बनाया जा सकता है. यस सर. यस सर. सो दिस सेट कैन बी एक्सटेंडेड
to form a basis of V. So basis बनाया जा सकता है. Let V1 से लेकर Vm तक तो थे ही, फिर Vm plus 1 से आगे को Vn तक, क्योंकि वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल है. Let this be a basis of V. तो अब इसका ड्यूअल होगा. यस सर. आप इसको कुछ मान लीजिए बीटा. सपोज बीटा कैप मैं, आप मान लीजिए एफ वन एफ टू एफ एम एस एम प्लस वन एफ एन विद द ड्यूअल बेसिस ऑफ बीटा. ये है हमारे पास, मान लेते हैं बीटा ट्रैप जो है ड्यूअल बेसिस है. देन हमने वहां वी वन ट्रैप वी टू ट्रैप लिया था, यहाँ ए ले लिया, कोई बात नहीं. तो भी अगर एफ आई और वी जे ऑपरेट होंगे आपस में, तो आपने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ये वन होगा अगर आई और जे बराबर जीरो, आई इज नॉट इक्वल टू जे. इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, क्रोनेटर डेल्टा. महान जर्मन मैथमेटिशियन क्रोनेटर साहब के नाम पर इस तरह की चीजें आती है. इनके एप्लीकेशन आप फिजिक्स में भी देखेंगे. ट्रेजी ठीक हो गया. तो एफ आई एफ जे तो ठीक है. अब हम W से बाहर W भी देखना है. W में M तक थे. सो एफ आई वी जे W से बाहर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जीरो फॉर I इक्वल टू एम प्लस वन एम प्लस टू अप टू एन, एंड J तो ठीक है वन टू थ्री अप टू M. उन सब के लिए ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले ये बताइए. यस सर. वी वन वी टू वी एम सब डब्लू के एलिमेंट है, ठीक है. तो इसमें वी एम तक है, तो अगर आप उससे आगे के लिए लोगे तो जे तो अंदर एम वन से एम तक ही है, वी वन वी टू वी एम, और लीनियर फंक्शनल ले लिया आगे के, तो वो इक्वल तो चांस ही नहीं है ना, क्योंकि आई जहां से शुरू हो रहा है जे उससे पहले खत्म हो गया. देखिए प्लीज, जे वन से एम तक है और आई एम से आगे, मतलब एम प्लस वन से एन तक है, तो आई और जे बराबर हो सकते हैं क्या? तो उस सिचुएशन में एफ आई बी जे तो जीरो आना ही आना है. ये चीज मैंने सरल तरीके से लिख दी ताकि आप इसे फ्रिक्वेंटली यूज कर सके. ठीक, तो ए डब्ल्यू का बेसिस बनाना है भाई, तो ए डब्ल्यू का डायमेंशन निकालना है. क्योंकि वी का डायमेंशन एन है, डब्ल्यू का डायमेंशन एम है, तो ए डब्ल्यू का डायमेंशन एन माइनस एम प्रूफ करना है ना. yes. स्टेटमेंट देखिए ये है हमारे पास. तो स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए प्लीज, हमें इसका डायमेंशन एन पता है, इसका डायमेंशन भी पता है एम, तो ए डब्ल्यू का डायमेंशन हमें, अरे यार क्या परेशानी है भाई, तो ए डब्ल्यू का डायमेंशन हमें एन माइनस एम लाना है. तो डायमेंशन लाने के लिए बच्चों उसका बेसिस बनाना पड़ेगा. अब ये ध्यान रखना है ए डब्ल्यू बिल्कुल अलग तरह का है, वो लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन है जो एनिहिलेटर भी है, उसका एक बेसिस बनाना पड़ेगा जिसमें एन माइनस एम लीनियर फंक्शनल्स हो. तो अब ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम हम करते हैं.
तो पहले चीजें क्लियर होनी जरूरी है, करना क्या है आखिर। तो चलिए देखिए, लेट इट बेटर लेता हूँ, इट्स belongs to B, B arbitrary, कोई एक ले लिया, W में ले रखा है, तो ये W के जो बेसिस एलिमेंट्स हैं, उनके कलेक्शन से बनेगा, तो H2 कैसे लिख सकते हैं, W का बेसिस V1 से Vm तक है, तो अल्फा वन V1 से लेकर अल्फा एम Vm तक ऐसे लिख सकते हैं, सारे अल्फा आई फील्ड के एलिमेंट। अब एक पर्टिकुलर एफ आई एच ऑपरेट कर दीजिए इसमें, तो इन जनरल एफ आई एक्स्ट्रा मतलब यही हुआ अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा आई बी आई प्लस अल्फा एम बी एम। एफ आई सभी लीनियर फंक्शनल है, तो सभी में अल्फा वन वी आई एफ आई बी वन से शुरू अल्फा आई एफ आई वी आई अल्फा एम एफ आई वी एम। बताओ भाई क्या आएगा, अल्फा आई वी आई अल्फा आई एफ आई वी आई। यस सर। अच्छा आई मैंने ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, ये वाला टर्म ना, ये नहीं लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखना चाहिए था, जरा ऊपर देखिए तो आई कहां से कहां तक है, एम प्लस वन से, एम प्लस वन से आर्बिटर है ना, तो और जे जो है एम तक ही जाएगा, तो ये कहीं भी मैच नहीं करेगा, तो क्या आएगा ये जीरो। यस सर। तो आपने एक्स तो एक आर्बिटरी लिया था, एफ आई एक्स आपका आ गया जीरो, और दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, तो इसका मतलब हुआ जो एफ आई है वो कहाँ बिलोंग करेगा, एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू में, यहाँ पर लिख देना है आई कौन सा ले रहे हैं हम, एम प्लस वन से आगे टू कहाँ तक एन तक, तब है। अगर आई भी वन से शुरू होता तो अल्फा आई वो ही आता, क्योंकि एफ आई बी आई वन हो जाता फिर। अच्छा तो एनिहिलेटर में एट वेक्टर हमने ऐसे ले रखा है, चलो भाई ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं चीजों को। तो इस तरह के जो बाकी होंगे, सो इस तरह के कौन कौन हुए, आई टी जो एम प्लस वन रखेंगे तो एफ एम प्लस वन, अगला क्या होगा एफ और क्या होगा लास्ट में एफ एन, यही कलेक्शन हुआ ना, ये सभी एनिहिलेटर हो जाएंगे। यस सर। सो दिस दिस इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, बीटा स्टार कर दो यार, इज अ सबसेट ऑफ ए डब्ल्यू, डब्ल्यू के जितने भी एनिहिलेटर हैं, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन ये भी सब एनिहिलेटर ही है, क्योंकि इन सब में भी जीरो, ये W के हर एलिमेंट को जीरो कर दे रहे हैं। अब मैं ये कहता हूं कि यही बेसिस है इसका, अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि बीटा स्टार इज अ बेसिस ऑफ, मैं हमारा इतना ही करना प्रूफ हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बेसिस प्रूफ करना है, फिर रेडार हटाया है कि भाई दो स्टेप करो अब मेहनत, अगर बेसिस प्रूफ करना है तो ठीक है। यस। तो लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर स्पैन इन दोनों को, तो मैं कोई एक ले लेता हूं, लेट एफ मान लिया मैंने ए डब्ल्यू में,
अगर ये एनिहिलेटर ऑफ इसमें है तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसी का पर्टिकुलर रूप ले लूं, इन पर्टिकुलर एफ ऑफ वी जे ले सकता हूं, वो भी जीरो होगा फॉर एवरी जे इक्वल टू क्या था, ऐसा ले सकता हूं ना? यस सर। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, जो ए डब्ल्यू है वो सबस्पेस होता है ना बीटा वी वी चैप्टर। यस, ये सबस्पेस ऑफ वी कैप, ये सबस्पेस ले रखा है, और जो एफ है वो भी लीनियर फंक्शनल है, वी कैप में ही है। अच्छा, जो ड्यूअल बेसिस था बीटा ट्रैप, ये वी ट्रैप का बेसिस है, इज अ बेसिस ऑफ वी ट्रैप। सो एफ टू कैसे लिख सकते हैं फिर, एफ वी में है और तो ये इसका बेसिस है, तो बीटा ट्रैप के जो एलिमेंट्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाना चाहिए। कहाँ लिखा है बीटा ट्रैप, ये देखिए प्लीज, जहां मैं डबल टिक कर रहा हूँ, बीटा ट्रैप इंटर लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा फिर एफ। तो एफ इक्वल टू क्या लिखूं, बीटा वन एफ वन प्लस बीटा एम एफ एम, फिर अगला बीटा एम प्लस वन एफ एम प्लस वन प्लस बीटा एन एफ एम, ठीक हो गया। अच्छा, और जे अगर मैंने कहां से कहां तक रखे थे, एम तक, अगर इनके लिए रखूं तो क्या होगा, इटरेटर है, पहले वन ही रख ले अगर, तो एफ ऑफ वी जे क्या आएगा बच्चों, सोचो, एफ ऑफ वी जे मतलब ऑपरेट हो जाएगा ना इसमें, बीटा वन एफ वन सीधे लिख दो वी जे सब में इटरेट। यस सर। बीटा एम एफ एम वी जे बीटा एम प्लस वन एफ एम प्लस वन वी जे, बीटा एन एफ एन वी जे, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो कितना आ जाएगा, जे अगर ये है आपके पास, ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वी जे जीरो होगा। यस सर। इक्वेशन टू देखिए ना, ऊपर लिखा है एफ ऑफ वी जे, कितना लिखा है मैंने इक्वेशन टू में, जीरो, जे वन टू थ्री अप टू एम लिखा है, तो एफ ऑफ वी जे जीरो है, ठीक है। और आपके पास बाकी इधर पीछे इक्वेशन नंबर वन में क्या था, इक्वेशन वन देखिए तो प्लीज, अगर जे वन से एम तक है तो एफ आई वी जे भी जीरो है या नहीं? यस सर। तो राइट साइड भी, तो आपके पास क्या बचेगा फिर, सोचिए, तो केवल बीटा आई एफ जे वी जे वाला एट, बाकी सब जीरो। मैं यहां पर ले देता हूँ यूजिन इक्वेशन वन एंड टू, ठीक। तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू बीटा आई एफ जे बीजे वन हो जाएगा ना। यस, प्लस वन जीरो, नहीं बीटा बीटा जे वाला सब बराबरी वाला ही तो बचेगा बस। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि बीटा जे इक्वल टू जीरो, जहां जे क्या लेना था, वन टू थ्री अप टू एम,
ये जीरो ले लेना है। तो फ्रॉम थ्री अगर आप इसको जीरो कर देते हैं तो थर्ड इक्वेशन से देखिए तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू बीटा वन बीटा टू बीटा एम, तक सब जीरो हो गए ना। यस सर। यस सर। हाँ तो बीटा एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, बीटा एम प्लस एम प्लस वन एफ एम प्लस वन सेलेक्टेड बीटा एन एफ एन। तो आपने एफ लिया था यहाँ इक्वेशन टू के नीचे देख लीजिए और वो इन वेक्टर्स का कलेक्शन आ गया है। तो ये पूरा एफ ए डब्ल्यू में है तो ये भी ए डब्ल्यू में है। तो जो ए डब्ल्यू है आपका वो किसके लीनियर स्पैन से आया, बीटा एफ। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो ये सभी हैं, क्योंकि जो जितने एफ थे उन्हीं वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। कुछ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं? यस यस सर। सुपरसेट का होना जरूरी नहीं है, सबसेट तो होता ही है ना। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि बीटा स्टार इज अ बेसिस ऑफ AW। तो डायमेंशन AW कितना होगा फिर, जितना बीटा स्टार में एलिमेंट है। यस सर। कहाँ गया भाई बीटा स्टार? लिखा था हमने कहीं, ये लिखा था इधर देखिए, बीटा स्टार में कितने एलिमेंट हैं? एन माइनस एम। एन माइनस एम मतलब डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ W। बस हो गया, एनी लेटर पर काम काफी शानदार है। मैं रिकॉल कराता हूँ सारी चीजें, ध्यान से देखिए प्लीज। मेरे पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू जो होगा वो डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू होगा। अच्छा प्लीज ध्यान दीजिए, डब्ल्यू अलग चीज है, ए डब्ल्यू अलग चीज है। डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, ए डब्ल्यू में वो है एनी लेटर है, वो लीनियर फंक्शनल जो डब्ल्यू के हर एलिमेंट को जीरो पे पहुंचा रहे हैं। तो आपने पहले वी का बेसिस डब्ल्यू का बेसिस मान के वी का बेसिस बना लिया वहां से एक्सटेंशन से। ये शुरू की दो तीन लाइनें यही हैं कि डब्ल्यू का बेसिस मानिए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, उनको एक्सटेंड करिए, वी का बेसिस आ गया। अब आप इसका इस वेक्टर स्पेस का जो बेसिस है तो उसका ड्यूअल बनाना हमें आता है। हमने सपोज बीटा कैप को ड्यूअल मान लिया, ये सब ड्यूअल है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए या नहीं? ड्यूअल बेसिस हमने लिखा है। यस। अब पढ़िए सबसे ऊपर वाली लाइन को, आपने लिखा है कि बीटा कैप ड्यूअल बेसिस है, तो ये ड्यूअल है और बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका कोई भी सबसेट लो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये लास्ट में यूज किया हमने, चलो ठीक है। बाकी सब वो डिफरेंट कंडीशन हम लगाते रहते हैं एफ आई और वी जे वाली, कि अगर अलग अलग है तो ये जीरो होगा, अगर आई और जे बराबर है तो वन होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा काम नहीं है। बाकी ये बेसिस प्रूफ करना है भाई, तो दर्जनों बार हो चुका है कि बेसिस कैसे प्रूफ किया जाता है। तो केवल लीनियर स्पैन पे फोकस करिए, क्योंकि जितने एफ आई हैं ये बचे हुए लास्ट में बीटा स्टार में, ये सब बीटा कैप के सबसेट हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट मुद्दा नहीं है, केवल लीनियर स्पैन वाला काम करिए अभी। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, छोड़े हम लोग जुड़ेंगे अब आठ दस पे।